Hello everyone, welcome back to Commerce Gazette. This video is a short vlog of Mauritius with outfit recommendations. So stay with me till the end and let's get started. तो मुंबई से मॉरिशस की फ्लाइट थी हमारी मिडनाइट की जो थी 6 आवर्स की और ये था मेरा एयरपोर्ट लुक वॉज कॉर्ड सेट विथ वाइट क्रॉप टॉप। मॉरिशस की जर्नी हो गई थी स्टार्ट और मैंने अपने फोन में कैप्चर किए ये ब्यूटीफुल से नज़ारे। You can see how beautiful this morning sky is looking. Mauritius airport पे land होते हुए आपको दिखेगी काफी सारी greenery and ये beautiful से mountains. ये था Mauritius airport के बाहर का area और यहाँ से हमने जो भी resort book किया था उसका pickup हमें resort तक लेकर जाएगा। एक बात मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ हर जगह काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और रोड्स भी काफ़ी क्लीन है, सो आप जब घूमने बाहर निकलते हो तो आपको हर जगह बहुत अच्छी वाइब आती है। इवन आप सेल्फ ड्रिवन कार लेकर भी घूम सकते हो यहाँ, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। हर जगह आपको काफ़ी अच्छे सीनिक व्यूज देखने मिलते हैं और जर्नी काफ़ी खूबसूरत लगती है। और ये था हमारा रिजॉर्ट। एज आई एम अ बीच लवर हमने बुक किया था एक बीच साइड रिजॉर्ट। रूम से निकल के ये सी व्यू देखते ही मैं तो हो गई थी फुल्ली रिचार्ज और मैंने ये ब्रीजी मूवमेंट कैप्चर किया अपने कैमरे में। फर्स्ट डे हमारा लेजर डे था सो हमने रिसॉर्ट में ही चिल मारा, यहाँ की अलग अलग एक्टिविटीज एक्सप्लोर करी। रात को यहाँ पे अलग अलग परफॉर्मेंसेस होती है सो ये लाइव बैंड का परफॉर्मेंस था उस दिन जो हमने काफी इंजॉय किया। एंड फॉर माई सरप्राइज ये लोग हिंदू मंत्रास चांट करके परफॉर्मेंस दे रहे थे। नेक्स्ट डे था हमारा आइलैंड टूर। आइलैंड पे आपको बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज के ऑप्शंस मिलते हैं सो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो वो आप ले सकते हो। जब भी आप किसी आइलैंड टूर पे जा रहे हो तो वाटरप्रूफ जूते ही पहनना और साथ में स्विम सूट जरूर कैरी करना ताकि आपको कोई वाटर एक्टिविटी करनी हो तो ईजी रहे। हमने आइलैंड पे बुक की थी वाटरफॉल राइड जिसमें आपको स्पीड बोट से वाटरफॉल की तरफ ले जाते हैं और वाटरफॉल पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने का चांस देते हैं। आप बैकग्राउंड में वॉइस सुन सकते हो कितना ब्रीजी है, सो वाटरफॉल तक की जर्नी काफ़ी मज़ेदार थी, बहुत ब्रीजी एटमोसफियर था। ये राइड काफ़ी एडवेंचरस थी और मुझे इसमें बहुत मज़ा आया। और ये था यहाँ का GRSE वाटरफॉल। यहाँ पे हम कुछ देर रुके, यहाँ का व्यू भी काफ़ी सूदिंग था। यहाँ मैंने पहना था ये कटवर्क वाला फ्लोरल प्रिंट ड्रेस और ब्लैक स्लाइडर्स। ये स्लाइडर्स भी वाटरप्रूफ है और मैंने मैचिंग सनग्लासेस पेयर किए हैं इसके साथ। डे 3 पे था हमारा नॉर्थ टूर सो अब हम निकल पड़े हैं अपने साइट सीइंग की तरफ। तो हम पहुँचे हैं पोर्ट लुइस, दिस इज कैपिटल ऑफ मॉरिशस। अभी हम जा रहे हैं सिटाडेल फोर्ट। इट इज़ अ हिल टॉप फोर्ट बिल्ट बाय ब्रिटिश टू डिफेंड पोर्ट लुइस फ्रॉम फ्रेंच। दिस इज सिटाडेल फोर्ट। इट इज़ फेमस फॉर इट्स शो स्टॉपर सीनरी। यू कैन सी वेरी ब्यूटिफुल सीनरी फ्रॉम द टॉप। आई हैव क्लिक्ड सम पिक्चर फ्रॉम द टॉप। यू कैन सी फुल सिटी व्यू बिहाइंड। सो इस फोर्ट के टॉप से आपको फुल सिटी के काफ़ी अच्छे व्यूज देखने मिलते हैं। सेकेंड वी हैव विजिटेड अप्रवासी घाट। इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर आपको इमिग्रेंट्स की हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ये साइट विजिट करने में या देखने में। यहाँ पे एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट साइट सीइंग पे। ये है पोर्ट लुइस का वाटरफ्रंट। ये भी काफ़ी फेमस जगह है मॉरिशस की। इट इज़ एन अट्रैक्टिव शॉपिंग डेस्टिनेशन अमॉन्ग टूरिस्ट एंड लोकल्स। यहाँ आपको क्राफ्ट एंड आर्ट का मार्केट भी मिल जाएगा और यहाँ से आप सुवीनियर्स भी खरीद सकते हैं, बहुत सारी शॉप्स है सुवीनियर के लिए भी यहाँ पे। दिस डे आई हैव वोर दिस ब्लू एंड वाइट प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस विद वाइट ओपन टो सैंडल्स। शॉपिंग मॉल के अलावा यहाँ पे कैसीनो है, म्यूजियम है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, इवन आपको यहाँ अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। And how can we forget this famous umbrella point? ये umbrella point आपने बहुत सारे celebrities के pictures में भी देखा होगा, so ये भी यहीं पर है और मैंने भी इस point पे बहुत सारे pictures लिए।
फोर्थ डे था हमारा साउथ टूर, सो अब हम निकल पड़े हैं साउथ की तरफ। और रास्ते में हर जगह आप देख रहे हो कितनी सारी हरियाली और माउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं। सो फर्स्ट हमने विजिट की यहाँ की शिप मेकिंग फैक्ट्री। यहाँ पे अलग अलग साइज में शिप के आर्ट पीसेस बनते हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। ये आर्ट पीसेस काफी डिटेलिंग के साथ यहाँ बनाए जाते हैं। अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है गंगा तालाब। ये प्लेस इंडियंस में काफी फेमस है एज इट्स एन इंडियन टेम्पल। यहाँ पे शिव जी और माता रानी की काफी बड़ी आइडल्स है। टेम्पल के आसपास एक तालाब है जिसे गंगा तालाब कहा जाता है। मंदिर के अंदर और बाहर हिंदू गॉड्स की काफी सुंदर मूर्तियां है यहाँ पे, और ये प्लेस भी काफी सीरीन और पीसफुल है। अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड डेस्टिनेशन की तरफ जो है ला विलेज कलरस नेचर पार्क। नाम थोड़ा सा अटपटा है सो मैं आपको स्क्रीन पे वापस दे दूंगी, आप वहाँ पे पढ़ लेना। यहाँ पे आप बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हो लाइक जिप लाइनिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, क्वाड बाइकिंग, सफारी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज और अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो फर्स्ट हमने बुक की ये क्वाड बाइकिंग वाली एक्टिविटी जिसमें क्वाड बाइक चलाते हुए आप नेचर पार्क को पूरा घूम लोगे और उसमें जो भी अट्रैक्टिव पॉइंट्स है वो भी कवर हो जाएंगे। और ये एक्टिविटी भी काफ़ी एडवेंचरस थी एज इसका रूट बहुत ही अलग अलग पॉइंट से जाता हुआ है जो मैं आपको आगे दिखाती जाऊंगी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल साइट। क्वाड बाइक के पूरे ट्रैक पे इसी टाइप के बहुत ही अमेजिंग नज़ारे देखने मिलते हैं यहाँ। बीच बीच में ऐसा रॉकी ट्रैक भी आता है, कहीं पे मडी है कहीं पे स्मूथ है, सो ये एक फुल एडवेंचरस राइड है। मॉरिशस के टूरिस्ट अट्रैक्शन में आपने 23 कलर्ड ऑफ अर्थ भी सुना होगा, वो इस नेचर पार्क में ही है। सो यहाँ पे हम क्वाड बाइक को पार्क करेंगे और यहाँ की थोड़ी डिटेल्स लेंगे, फोटो खींचेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये है 23 कलर्ड ऑफ अर्थ। यहाँ नेचुरली सरफेस पे 23 कलर्स है और इसकी भी एक हिस्ट्री है जो मैं अभी यहाँ बता के आपको बोर नहीं करूँगी। I have wore this crop top and ruffle skirt with white sandals. आगे और भी अट्रैक्टिव पॉइंट्स थे जो मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाती हूँ। बीच बीच में ऐसे सुंदर से वाटरफॉल्स थे यहाँ पे जिन्हें देख के आपको बस वहीं बैठने का मन कर जाता है। इस वीडियो में मैंने जो भी आउटफिट पहने हैं उनका रिव्यू वीडियो भी मैं जल्द ही डालूंगी। नेक्स्ट मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की यहाँ पे जो थी ये बाइसिकल जिप लाइनिंग। इस एक्टिविटी में मुझे बहुत मजा आया और ये काफी एडवेंचरस थी एज इसका जो ट्रैक था वो काफी हाइट पे था। मैं आपको जूम आउट करके दिखा रही हूँ, इसका ट्रैक भी काफी लंबा था सो ये ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का ट्रैक होगा आने और जाने में। नीचे पानी और आसपास नेचर के इस व्यू के साथ ये एक्टिविटी बहुत ही मजेदार थी। यहाँ के रास्ते भी इतने खूबसूरत थे कि मैं हर जगह पिक्चर्स ले रही थी। फिर हमने देखा ये डेड वॉल्केनो। रात को परफॉर्मेंस था फोक डांसर्स का सो हमने यहाँ का फोक डांस एंजॉय किया रिसॉर्ट में। नेक्स्ट डे था हमारा लास्ट डे ऑफ मॉरिशस और यहाँ पे माहौल इतना सुंदर हो रहा था कि मुझे यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, पर क्या करें, हॉलीडे खत्म तो होना ही है। यहाँ मैंने पहना था क्रोशेट टॉप विद फ्लोरल प्रिंट स्कर्ट और ये आउटफिट मुझे फुल बीची वाइब दे रहा था। इस दिन हमने रिसॉर्ट की एक्टिविटीज एक्सप्लोर करने का सोचा सो हमने ली ग्लास बॉटम बोट राइड। उस दिन भी काफी ब्रीजी था और एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा हो गया था सो ये राइड में भी हमें काफी मजा आया। और इसके साथ हमारा मॉरिशस ट्रिप खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट थम्स अप एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।